कोई भी सब्जी घर में आती है अक्सर ये मूली शलजम गाजर इन सब के ऊपर छोटे छोटे रूट हेयर्स आपको नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा था कि रूट हेयर्स कहाँ से बनते हैं, आर द एक्सटेंशंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स बेटा, जो उनके एपिडर्मल सेल्स होते हैं उन्हीं की ही एक्सटेंशन, एपिडर्मल सेल्स जो उनकी कवरिंग होती है, जो उनकी स्किन होती है, उसी की ही एक्सटेंशन से क्या बन जाते हैं बेटा, रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है बेटा। अच्छा जी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें, इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड मिनरल्स एट अ ग्रेटर स्पीड रूट इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया बाय डेवलपिंग रूट हेयर्स, दीज आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स बेटा। मटीरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें चाहिए, डिफरेंट रूट्स चाहिए, ठीक है, आपको जो है ना वो कैरेट दे दें, आपको जो है ना वो शलजम वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ आपको दे दे जिसके ऊपर जो है ना वो छोटे छोटे क्या कहते हैं उसको, उसके रूट हेयर्स जो है ना वो बने हुए हों, डिफरेंट रूट्स विद द रूट हेयर्स रेडिश एंड कैरेट, हैंड लेंस स्लाइड माइक्रोस्कोप, हैंड लेंस आपने देखा था उस दिन, वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है हैंड लेंस जो हाथ में रख के हम उसको जो है ना मैग्नीफाई कर लेते हैं चीज़ को। प्रोसीजर क्या होगा, ऑब्जर्व द रूट हेयर्स ऑफ द कैरेट रेडिश एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ हैंड लेंस, स्टडी द डिटेल्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द रूट, रूट की हमने डिटेल्स जो है ना वो स्टडी करनी है, ट्राई टू रिमूव द एपिडर्मस अलॉन्ग विद रूट हेयर्स एंड स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, फिर हमने उसको ऊपर से पील ऑफ करना है, छीलना है और फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के चेक करना है, डायग्राम ड्रा करनी है। अब डायग्राम किसकी ड्रा करोगे, किसकी बनी हुई है आपके पास, रेडिश की बनी हुई है, कैरेट की भी बनी हुई है, दोनों में से बेटा किसी की भी डायग्राम ड्रा कर दें आप, ठीक है, मूली गाजर जो भी आपको आती है वो ड्रा कर दें। कंक्लूजन क्या निकालेंगे बेटा, ऑब्जर्वेशन में तो आप देख रहे हैं ना, कंक्लूजन क्या निकालेंगे, क्या कह रहे बेटा, ऑब्जर्वेशन के अंदर डायग्राम वगैरह नहीं है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट होगी ना है डायग्राम, तो चले लिखें, शाबाश, कंक्लूजन लिखें। रूट हेयर्स क्या करते हैं बेटा, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में दो बातें हमने पढ़ी हैं, रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, और रूट हेयर्स बनते कहां से थे, बेसिकली रूट हेयर्स आर द आउटग्रोथ्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स बेटा, रूट हेयर्स आर outgrowths of root hairs are outgrowths of epidermal cells of roots beta, acha ji post lab activities ke questions dekhen beta, is root hair a cell in the plant or not, describe its structure, kehta hai ki root hair jo hai plant ka cell hai ya nahi hai, pehle to ye bataye plant cell hai, यस यही हमने बताना है, यस रूट हेयर इज अ सेल ऑफ द प्लांट, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर हम ड्रा कर देंगे यहाँ पे, एपिडर्मल सेल का, ठीक है, सिंगल लेयर होती है ना इनकी, तो एपिडर्मल सेल्स को हम ड्रा कर देंगे यहाँ पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर, क्या फंक्शन था, टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स कह लें या मिनरल्स कह लें, मिनरल्स जो है ना वो अच्छा वर्ड है, रूट हेयर्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बेटा, क्लियर, ये बेटा एक सादा सा सिंपल सा आपका जो है ना वो प्रैक्टिकल था इस होल टॉपिक में, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।